छोटी काशी और पंडित नेकी राम, चौधरी बंसीलाल, मास्टर बनारसी दास गुप्ता की ये भूमि कर्म भूमि और दानवीर किरोड़ी मल की ये नगरी और भाई भारत ही नहीं एशिया के मुक्केबाजों की राजधानी ये मेरी भिवानी। आज यहाँ इस भिवानी पे आने के आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये तो कुछ हजार आदमी बैठे हैं मेरे सामने, इधर भी है उधर भी है। मैं तो बाहर से आया हूँ, मेरे पास खबर आई है चारों तरफ जाम पड़ा है। मैं माफी मांगता हूँ, जगह थोड़ी छोटी जुड़ली भाई, पूरा इंतजाम नहीं कर सके हम। मेरे को ये पता होता उम्मीद से फालतू आप आए हैं तो शायद मैं कहीं बाहर करता, लेकिन अगली कभी भिवानी जलसा करेंगे तो भाई बहुत बड़ी जगह हम करेंगे आपसे। देखिए मौसम ऐसा हो रहा है, रोहतक से चला मैं, भाई एक मिनट रुक जाओ, बीच में नारे मत लगाओ, तब किसी की सुनोगे कि नहीं सुनोगे, बात सुना करें। जब मैं रोहतक से चला तो वो बारिश हो रही थी, मैं सोच रहा था भिवानी में बारिश होगी, लेकिन यहां से खबर गई कितनी बारिश हो हम खड़ी रैली कर देंगे, हम रुकने वाले नहीं हैं। तो इस बात की मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं, लेकिन मौसम की तब्दीली है। आज की ये भीड़, ये जनून, ये जोश केवल भिवानी तक नहीं, ये आवाज पूरे हरियाणा में जाएगी और ये बदलाव लेके आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं आपके। आज यहां तो बारिश नहीं आई, लेकिन मेरे को लगता है कि आज बारिश आएगी जरूर, शाम को आ जाएगी, मारे जाने के बाद आ जाएगी, खुशहाली जरूर आएगी। अब ये भीड़ इस इलाके में खुशहाली लेके आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आजकल जो है तरह तरह की बातें चल रही हैं, सुनता हूं मैं तरह तरह की, मेरी पार्टी में भी बाहर भी कई उम्मीदवार मुख्यमंत्री के बन रहे हैं। भाई ये जो उम्मीदवारी है मुख्यमंत्री की, ये तो भाई मैं जो है आज से 18 साल पहले ये खिताब मैं जीत चुका था, 18 साल पहले बना था। मेरी लड़ाई ये नहीं है, मेरी लड़ाई इस प्रदेश में बेरोजगारी के खिलाफ है, इस महंगाई के खिलाफ है और अपराध के खिलाफ है। जो मेरे जवान बच्चों में नशा आ रहा है, रोक नहीं पा रही है सरकार, उसके खिलाफ है। जो प्रदेश मेरे मन में टीस है, इसी वास्ते मैं आया हूं और ये कार्यक्रम हमारे यहाँ है कि जो प्रदेश 2014 में हमने प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, प्रति व्यक्ति नौकरी देने में और भाई कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे हिंदुस्तान में एक था, नंबर वन था, आज मेरा वो प्रदेश हरियाणा कहाँ है, किस चीज में है, ये आंकड़े हैं मेरे, मेरी जवानी बात नहीं है। आज पूरे देश में बेरोजगारी में नंबर एक है, आज पूरे देश में महंगाई में नंबर एक है, आज पूरे देश में ऊपर के दो तीन प्रदेशों में से इसमें है, अपराध में है। और भाई खेल और खिलाड़ी में तो जो एक था, आपने देखा क्या हमारे खिलाड़ियों के साथ हुआ, क्या व्यवहार हुआ, शर्म से सिर झुक जाता है जब मैं कहता हूं। और मेरा ये प्रदेश जय जवान जय किसान का था, मेरे जवान देश की रक्षा करते थे, आज उनका क्या कर दिया भाई, अग्निपथ ले आए, अग्निवीर ले आए, ताकि कोई पक्का नहीं होगा, दो चार साल काम करेगा घर भेज देंगे। इसी प्रकार से हमने लड़ाई लड़ी उन फौजियों की
वन रैंक वन पेंशन के लिए इन्होंने दिया क्या, जब मैं मुख्यमंत्री था पूरा जोर शोर से साथ दिया था, इन्होंने ऑफिसर के साथ तो कर दिया लेकिन जेसीओ और जवान को न्याय नहीं मिला। हम वो लड़ाई लड़ेंगे जेसीओ और जवान को भी न्याय दिलवाएंगे। ये अभी चर्चा हो रही थी, ये सरकार मौजूदा सरकार जो है हरियाणा में क्या है भाई, अभी आपने देखा हर वर्ग इससे विमुख। कल ही राहुल गांधी आए हमारे खेतों में, उन्होंने किसान की आवाज सुनी, उन्होंने धान बोते हुए देखा कितनी मेहनत से किसान धान बोता है, कितनी मेहनत से अपनी फसल पैदा करता है, लेकिन उसको MSP नहीं मिलती है, उसको उसका भाव नहीं मिलता है। इन्होंने कहा था हम किसान की आमदनी दुगनी कराएंगे, आमदनी तो दुगनी नहीं की, लागत कई गुना बढ़ा दी। हमारे समय में हरियाणा में ना खाद पर टैक्स था, ना कीटनाशक दवाइयों पर टैक्स था, ना ट्रैक्टर पार्ट पे था, अब 28% तक का GST लगा, लागत कितनी बढ़ गई, MSP मिलती नहीं, प्रधानमंत्री बीमा योजना में लोग धक्के खा रहे हैं, उनको कंपनसेशन नहीं मिलता, कितनी फसल खराब हो रही है उनको कंपनसेशन नहीं मिलता। भिवानी का मैं देखता हूँ, भिवानी में देखो एक तो समय था चौधरी बंसीलाल का, जब भिवानी विकास की तौर से बड़ी तेजी से दौड़ रहा था, या पिछले 10 साल में हमारे समय में कोई भी काम हुआ, अगर प्रदेश में 7 विश्वविद्यालय बने हैं तो 2 भिवानी पार्लियामेंट हल्के में, एक चौधरी बंसीलाल के नाम से यहाँ पर विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़। अगर महाविद्यालय प्रदेश में 35 बने पूर्व कुल हमारे समय में, उसमें से 5 एक भिवानी बाढ़ सुसाम भवानी खेड़ा बहल यहाँ बने, तो आप इसी प्रकार से देखते हैं BEd कॉलेज लगाओ भाई, चाहे वो नाला लगाओ ड्रेन लगाओ, भिवानी का हर प्रकार से हुआ। मेरा एक सवाल है आपसे, इस सरकार को 9 साल हो गए, कोई दूसरी पार्टी का भी आया होगा ये पूरे पार्लियामेंट क्षेत्र में कोई एक काम गिना सकता है इस सरकार ने किया हो जनहित का, एक काम गिना दो भाई, फिर इसका क्या करना है। यही है विपक्ष जो हम आपके समक्ष लेके आए हैं, बात सारे साथियों ने कह दी, बहुत हुआ और हमने भी कह रखा है, पार्टी ने फैसला कर रखा है उदयभान जी ने और CLP ने कि भाई हम क्या करेंगे, मोटे मोटे 5 फैसले किए हमने, मोटे मोटे 5 फैसले हमने क्या कर रखे हैं कि भाई हमारी सरकार आएगी पेंशन जो है 6,000 रुपये बुजुर्ग की करें, 6,000 बूढ़े के और 6,000 बुढ़िया के, और इतनी ही पेंशन विधवाओं की, हमारी जो विधवा है उनको हम देंगे, और इसी प्रकार से कर्मचारी जो बैठे हैं कितने दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, और 100-100 गज के प्लॉट हमने 3,82,000 दिए, इन्होंने 1 दिया तो बता दो हरियाणा में, हम फिर से करेंगे गरीब आदमी की शेड्यूल कास्ट की और बैकवर्ड क्लास को जो 100-100 गज के प्लॉट दिए थे मकान बनाने का, और मेरी बहनें बैठी हैं उधर सब, आजकल रिवाज बदल गया, आजकल चूल्हे पर रोटी बहुत कम पकाती हैं, गैस पे पकाती हैं, और गैस का क्या भाव हो गया, 1,150 रुपये सिलेंडर। हमने ये फैसला है कि हमारी सरकार आएगी तो सिलेंडर की कीमत 500 से ज़्यादा नहीं होगी, और इसी प्रकार से बैकवर्ड क्लासेस का, आपने बैकवर्ड क्लासेस का क्रीमी लेयर जो है इन्होंने 8 लाख से घटा के 6 लाख कर दी, हम उसको 10 लाख करेंगे इसका जो रिजर्वेशन में, तो इस प्रकार बहुत सारी है और बहुत सारे हमने काम करने हैं। आज मैं आ रहा था रोहतक से तो
तो डीसी दफ्तर के सामने कलर करता पे बैठे थे, शायद यहां भी बैठे होंगे, कहीं क्लर्क बैठे हैं, कहीं गेस्ट टीचर घूम रहे हैं, कहीं सफाई कर्मचारी घूम रहे हैं, सबकी चर्चा हुई। हर वर्ग इस सरकार से परेशान है। तो भाई मैंने कहा मेरी लड़ाई है, इस लड़ाई की मैं इजाजत लेने आया हूं आपसे। वैसे तो मैं मेरी उम्र भी 76 साल हो गई और बहुत संघर्ष किया मैंने, लेकिन अब मेरा ये देखकर, मेरे हरियाले का हाल देखकर भाई, एक टक्कर लेने का मन करता है इससे। अगर आप साथ दोगे हाँ? तो एक बात सुन लो, आप साथ दे देना मेरा, मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हारी सरकार बनवा दूंगा, ये कह के वादा करके जा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और भिवानी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए भाई, पूरे हरियाणा में आवाज जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला कार्यक्रम यही